में। गाइस इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा असोकरिस्टा सिरप के बारे में बात करूंगा, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कितनी डोज में इसको लेना होता है और इसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है, कैसे ये पीरियड को रेगुलराइज कर देता है, हार्मोन को बैलेंस कर देता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखें तो आपको पूरी बात अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस आज हम बात करें असोकरिस्टा सिरप के बारे में बात कर रहे हैं, इसको डाबर इंडिया कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं अशोका होता है, दताकी होता है, मुस्ता होता है, हरिताकी होता है, अमलाकी होता है, इसके अंदर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं। अगर इसके यूजेज की बात करें, मेंस्ट्रुअल क्रम्स वगैरह आते हैं, मेंस्ट्रुअल दिक्कत होती है, पीरियड वगैरह कम आते हैं, तब उसको ठीक करने के लिए इसको लेने की सलाह दी जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, टाइम पर आने के लिए भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह आ रही होती है तो उसको ठीक करने के लिए, जवान दिखने के लिए, स्किन को चमकाने के लिए, फेस पर चमक लाने के लिए भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। कहीं पर चोट वगैरह लग जाती है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाए, जल्दी ठीक हो, इसलिए भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तब भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। अगर वीकनेस वगैरह रहती है, जनरल वीकनेस रहती है, तो वीकनेस को दूर करने के लिए इसको लेने की सलाह दी जाती है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कार्डियक पेशेंट में, प्रेगनेंसी में इसको नहीं दिया जाता है। बाकी अगर डोज की बात करें 15 ml सुबह शाम में ले सकते हैं, पानी के साथ में इसको ले सकते हैं, खाना खाने के बाद में लेना होता है। ठीक है गाइस, बताया मैंने आपको असोकरिस्टा सिरप के बारे में। असो गाइस आपको पूरा समझ में आ जाओ, समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।